जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल बटन क्लिक जरूर करिएगा ताकि आपको रोज नए वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए आप प्रोटीन रिच संडे स्पेशल चटपटी चाट हम बनाएंगे। यहाँ पर हमने 1 चम्मच घी लिया है। यहाँ पर घी में ही बनाएंगे। घी बहुत इम्पोर्टेंट है, टेस्ट भी आता है और मज़ा भी आ जाएगा आपको ये रेसिपी खाने में। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं मखाना। मखाना यानी कि लोटस सीड्स या फॉक्स नट्स इनको बोलते हैं, रिच इन प्रोटीन कैल्शियम होते हैं। और मूंगफली यानी कि पीनट्स। अब इनको मखाने और मूंगफली को हम 5 से 7 मिनट स्लो से मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे। ये एकदम क्रंची हो जाते हैं। मखाने इज़ इंडियन वर्जन ऑफ पॉपकॉर्न आप बोल सकते हैं। सुपर हेल्दी सुपर फूड माना जाता है मखाना, और साथ में पॉपकॉर्न जैसा टेस्ट आता है। ट्रस्ट मी, जब आप इनको घी में सेकेंगे ना तो यू विल फॉल इन लव विद मखानाज। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम बना रहे हैं आज आपके लिए प्रोटीन रिच संडे स्पेशल हेल्दी सुपर चटपटी टेस्टी चाट आपके लिए। और देखिए, जब तक हमारे मखाने और मूंगफली यहाँ पर सिकेंगे तब तक हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। कहते हैं कि प्रेयर प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि वो असंभव को भी संभव बना देता है। और अभी इस वक्त हमारी फैमिली, आपकी फैमिली, सभी फैमिलीज को दुआओं की ज़रूरत है। तो आइए चलिए सब मिलकर दुआ करते हैं, प्रेयर प्रार्थना करते हैं कि सब लोग स्वस्थ हो जाएं और जल्द से जल्द नॉर्मल सिचुएशन आ जाए। तो चलिए प्रार्थना करेंगे, आँख बंद करेंगे 1 मिनट के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 ही। तो देखिए, यहाँ पर मैं ऑल ऑफ यू स्टे सेफ एंड हेल्दी, यही हम प्रार्थना करते हैं। अब ये देखिए, मखानों को बीच बीच में चलाते रहिएगा और स्लो से मीडियम फ्लेम पे ये सिक जाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं 5 से 7 मिनट बाद कैसे पता चलेगा आपको कि मखाने सिक गए। मूंगफली तो सभी को पता चलता है। यहाँ पर मखाने हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए एकदम पॉपकॉर्न की तरह आवाज़ आएगी आपको, क्रंची हो जाते हैं ये मखाने। और इनको अब हम इसमें डाल लेंगे। आप इनको सेक कर रख भी सकते हैं एयर टाइट डब्बे में, बहुत टेस्टी होते हैं और लगभग 2 से 3 हफ्ते आराम से चलेंगे आपके। अब इसमें हम मूंगफली डाल देंगे। हाँ, और अब हम इसमें डालेंगे प्याज, हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो चाट बनानी है तो चाट में आप जो जो आइटम डालना चाहते हैं, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। धनिया पत्ती यहाँ पर, अब हम इसमें हमारा नमक स्वाद अनुसार। ये देखिए कितना टेस्टी ऑलरेडी लग रहा है और इतना हेल्दी होता है मखाना। आप पढ़िए, पढ़ेंगे उसके बारे में आपको पता चलेगा कि ये, इनफैक्ट बड़े लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे मखाना हमेशा खाना चाहिए। रेड चिली पाउडर, चाट मसाला एज पर टेस्ट, और बच्चों को तो ये पॉपकॉर्न लगता है, और काला नमक। और अब हम इसमें डालेंगे डैश ऑफ लेमन। और देखिए बन चुका है हमारा ये प्रोटीन रिच ज़बरदस्त चाट आपके लिए रेडी है। कैल्शियम रिच, प्रोटीन रिच, ये ज़रूर इंक्लूड करिएगा डाइट में। अभी हेल्दी खाइए, स्टे हेल्दी एवरीवन। और ये देखिए एंजॉय करिए, मुंह में पानी आ जाने वाली चाट अब रेडी है। इसको इंस्टेंट बना के आप अपने घर में सर्व कर सकते हैं सभी को, फैमिली मेम्बर्स को, और इन्जॉय कर सकते हैं चाय के संग। अब बनाइए, खाइए एंड स्वस्थ रहिए। यही हम आप सभी के लिए, खुद के लिए, हमारे लिए, सबके लिए यही प्रेयर करेंगे। मिलेंगे दोबारा जायका का तड़का में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। बाय बाय एवरीवन।